कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास है, वो प्रयास है आप लोगों को जागरूक करना, वो प्रयास है आप लोगों को सचेत करना, ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी देना, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि ज्योतिष विज्ञान आखिर किस प्रकार का विज्ञान है, किस प्रकार की गणना है जो आपके जीवन को संवारने का, आपके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो हमेशा की तरह आज भी हमारा कुछ यही प्रयास रहेगा। तो आइए आज की कड़ी का भी आरंभ करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जाने माने ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष सम्राट, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी का स्वागत है। गुरु जी, जय माता जी। जय माता जी। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जय माता जी। गुरु जी बताएं। जी, रविंदर बोल रहा हूँ जी। जी, क्या नाम बताया आपने अपना? अरविंदर। अरविंदर, अरविंदर जी किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए हमें अरविंदर जी। जी, 5 नवंबर 1989। 5 नवंबर 1989। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 12:29 रात्रि में। 12:29 रात के कहाँ का जन्म है ये? गुड़गांव का मैम। हाँ जी, एक बार फिर से बताइए जन्म स्थान। गुरुग्राम। गुरुग्राम का है ये। चार की रात है। हाँ जी, हाँ सर, बिल्कुल। जन्म कुंडली बनी है आपकी अरविंदर जी? हाँ जी सर, बिल्कुल बनी है जी। क्या निवारण किया जी? कंप्यूटर से निकलवाई थी मैंने। कंप्यूटर से निकालने से कुंडली बन जाता है? तब तो कंप्यूटर से डॉक्टर ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, कंप्यूटर से केस भी लोग लड़ लेगा, कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालने से ज्योतिषी नहीं होती अरविंदर जी, ज्योतिषी होता है एक अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करने से। आपकी कुंडली कनक लग्न की बनी है, राशि आपका धनु राशि है, इसमें आपके दो राजयोग बन रखे हैं, लेकिन किसी राजयोग का आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली जो है इसमें कहीं बना है केमद्रुम योग, कहीं बना है बीज दोष, कहीं बना है चंडाल दोष, ये सारे लाइफ को आपको डिस्टर्ब कर देगा। सबसे पहले ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, और विवाह हो गया तो चलने नहीं देगा, ये मेरा अपना पक्का विश्वास है। तो कुंडली बनने से नहीं होता है, उसकी एनालिसिस होती है, पूरी 24 कुंडली बनती है, एक ही कुंडली का एनालिसिस किया जाता है। आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह किया या नहीं? हाँ जी, किया था जी गवर्नमेंट। लेकिन नहीं होने देगा। आप लाख प्रयास कर लोगे ना, जब तक हम उपाय नहीं करेंगे, ना तो आपको जॉब लगने देगा बढ़िया, ना तो आपकी शादी होने देगी। थोड़ी सी मेरी बातें में हो सकता है लोगों को लगता है कि शिवानंद जी थोड़ा कड़ा बोलते, मैं कड़ा नहीं बोलता, मैं आपको सही चीज बताता हूँ, क्योंकि जब तक मैं प्रॉब्लम बताऊंगा नहीं तो आप उपाय कैसे करेंगे। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा आपको कंप्यूटर से निकालने से। आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलिए। मेरी दो बातों को दर्शकों हमेशा याद रखिए। सबसे पहली बात, किसी भी ज्योतिष को कभी भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताने का। दूसरी बात, रत्न लेना हो तो ऐसे जगह लेने का जहां से 10% की वापसी के साथ वापस हो। अधिकतर लोग करते क्या है, ज्योतिषी पास जाते हैं, पन्ना पहन लिए, हीरा पहन लिए, नीलम पहन लिए, पुखराज पहन लीजिए, गुरु जी फायदा ही नहीं कर रहा है। फायदा कहाँ से करेगा? 24 कुंडली बनती नहीं, 24 कुंडली बनती तो 4-5 प्रॉब्लम निकलते, कहीं केमद्रुम जो, कहीं चंडाल दोष, कहीं बीज दोष, उसका निवारण नहीं होता, आप रत्न पहन लेते। तो आप हमें बताइए दर्शकों कि किसी के पास एक लोटा है, उसमें 4 छेद बना हुआ है, तो पहले आप छेद बंद करेंगे, पहले पानी भर देंगे, तो छेद तो बंद होता नहीं, पानी भर देते, स्टोन पहन लेते, कहते फायदा नहीं करेगा, कहाँ से करेगा। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है, आपको गवर्नमेंट जॉब इंतजार कर रहा है, लेकिन आपने निवारण नहीं करवाया, ढंग की कुंडली नहीं बनी, इसीलिए आपका ऐसा। कंप्यूटर से कुंडली निकलने से क्या होता है? 50 रुपया लगता है, कंप्यूटर से निकाल के दे देता है, उस ज्योतिषी उसे हो जाएगी,
एक एक ज्योतिष का 11,000 5,000 21,000 25,000 ऐसे फीस होता है। क्यों फीस होता है? तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलिए रविंदर जी, आपके दो दो राज्य बन रखे हैं, दोनों राज्यों को आपको नष्ट कर दे रहा है, और दूसरा बात इस कुंडली से आपको वैवाहिक जीवन को भी खराब कर देगा यदि आपने उपाय नहीं किया तो। दूसरी बात बता दूँ कि आपकी लाइफ जो है लगभग 7 वर्षों से खराब चल रही है, 2012 से लेकर 26 तक आपको लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, आप उपाय नहीं करेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा आपकी परेशानी बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आप चले जाएंगे डिप्रेशन में। क्या आप सहमत हैं गुरु जी की बातों से? जी बिल्कुल सही बात। जब सहमत है तो जरूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। और दर्शकों ये आपको हम बता दें, कोई फेक कॉल्स नहीं है। जो दर्शक कहते हैं कि हाँ जी हम सहमत हैं, वो वाकई में सहमत होते हैं। आपको नहीं यकीन आता तो आप खुद कांटेक्ट करके देख सकते हैं और खुद अपने बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको आपके हर सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, और सबसे अहम बात कि सवाल भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुरुजी खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से। खैर आगे बढ़ते हुए अगले दर्शक से भी बात करते हैं। सुमन है भटिंडा से, स्वागत है सुमन जी। हाँ जी, 16 जुलाई जी, 14 जुलाई 16 ओके 16 जुलाई 1988 समय बताएं। रात के 11:57 11:57 रात के। कहाँ का जन्म है? भटिंडा। भटिंडा का, ये आप ही की डिटेल्स है? नहीं, बेटे की। बेटे का शुभ नाम? आकाश। आकाश, ओके। हमारे साथ सुमन जुड़ी हैं, अपने बेटे आकाश के बारे में जानना चाहती हैं। जी, आपने बेटे की कुंडली बनाई है? हाँ जी। क्या उपाय किया? वो गंडमूल में था, वो सही दिन पर किया सारा। जी, गंडमूल का उपाय कर लिया, बहुत अच्छा किया आपने। आपके बच्चे की जो कुंडली है वो मीन लगन की है, राशि इनकी हो रखे हैं सिंह राशि। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इनकी कुंडली में पंचम घर का मालिक चंद्रमा है, जो केतु के साथ बैठा हुआ है और सीधे राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बन गया बिल्कुल ग्रहण योग। पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है, प्रेम का भी होता है। तो ऐसे बच्चे यदि कुंडली में टाइम इनका सही है तो ऐसे बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे पढ़ाई खराब होते जाता है। मैं आपको इसलिए ऐसा कहा कि टाइम सही है क्योंकि इनका जन्म है 29° 58' पे जन्म है, अर्थात कुंडली कहता है कि मात्र 10 सेकेंड में पूरी कुंडली बदल जाएगी। जहाँ पे मीन लगन का हो रहा है वहाँ मेष लगन हो जाएगा। अब 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट घड़ी का आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर के यहाँ भी यदि जन्म होता है, डॉक्टर बोलते हैं इसका जन्म है मान लीजिए 11:57 में, हो सकता है डॉक्टर की घड़ी 1 मिनट स्लो हो। तो इसकी क्लियरिटी तब होगी जब अपने बेटे के साथ किसी ज्योतिष से मिलेंगे, क्योंकि इस कुंडली में इनकी जब जैसे ही दशम घर में शनि बैठ जाता है तो गवर्नमेंट जॉब का संभावना बना देता है, और साथ साथ यदि ये टाइम सही है तो इनका गुरु शुक्र का यूटी राज जो भी बना हुआ है, लेकिन जस्ट बगल में एक नमास कुंडली होता है जहाँ इनके बन रखे हैं ग्रहण योग और केमद्रुम योग, और लग्न में भी बना हुआ है केमद्रुम योग, तो लग्न में बना हुआ है ग्रहण योग, तो परेशानी क्या करेगा? टाइम सही है यदि, यदि टाइम 10 सेकेंड आगे हो गया तो फिर बातें मेरी नहीं मिलेगी। यदि टाइम सही है तो ऐसे बच्चों का शिक्षा भी डिस्टर्ब होता है, इनको स्वास्थ्य भी खराब करता है, और वैवाहिक जीवन तो एकदम नष्ट कर देता है। विवाह होने नहीं देगा, विवाह हो गई तो चलने नहीं देगा। और दूसरी बात, यदि 6ठे घर में ग्रहण योग लग गया तो ऐसे बच्चों को भूल के भी कभी जिंदगी में वाइन नहीं पीना चाहिए। ऐसे तो वाइन पीना ही खराब है, कहते जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा पानी वैसा वाणी। तो ऐसे बच्चों को भूल के जीवन में कभी वाइन टच नहीं करनी चाहिए, सीधे इनके लीवर किडनी पर असर कर जाएगा। बाद वहाँ की अच्छे तरह से डिटेल करने के लिए आपको अपने बच्चे के साथ हस्तरेखा भी दिखाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया कि 10 सेकेंड में पूरी कुंडली ही बदल जा रही है। जब बॉर्डर पॉइंट पर है तो बहुत सारी परेशानी आती है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को हाथ देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या आप सहमत हैं सुमन जी? हाँ जी। सहमत है तो जरूर इन बातों को फॉलो कीजिएगा, और जिस तरह से गुरुजी ने कहा कि हस्तरेखाएं देखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप हस्तरेखा विज्ञान का सहारा भी अवश्य ही ले। आइए आगे बढ़े, अब हमारे साथ किरण है अमृतसर से, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका किरण जी। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। जी बताएं किरण जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे बारे पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी। हाँ जी। 1995 समय? हाँ जी, सुबह 5:57
ठीक है, कहाँ का जन्म है? अमृतसर का। शुभ नाम बताएं अपने बेटे का। सुरिंदर है। कुविंदर। हाँ जी। ठीक है, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं गुरु जी। धनु लग्न की कुंडली राशि इनके वृश्चिक राशि हो रहे हैं। गुरु चंद्र शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, बहुत सुंदर राजयोग। सबसे पहले ऐसे बच्चों का जो लाइफ होता है वो अपने लाइफ का 50% पार्ट कम से कम ये फॉरेन में निकालेंगे। बहुत ही अच्छी कुंडली है, दो दो राजयोग बने हैं और इनके द्वादश घर में ही गज केसरी योग बना हुआ है और राजयोग भी बना हुआ है। अर्थात ये कुंडली की जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन समस्या कहाँ हो रखा है? समस्या जो इनके हो रखे हैं वो इनके दशमांश कुंडली में और चतुर्दशांश कुंडली में, इनके लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है। हम आगे जब देखते हैं तो दशमांश और चतुर्दशांश दोनों फंसा हुआ है। दशमांश में बना हुआ है चंद्र शनि का 20 दोष और चतुर्दशांश में बना हुआ है कंप्लीट केमदम योग। तो ऐसे बच्चों को डिग्री भी मिल जाती है तब भी जॉब नहीं लगने देगा, कारण कि दशमांश चतुर्दशांश दोनों डिस्टर्ब हो रखा है और कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में भी बाधा देने का प्रयास करता है। लोग कहते हैं हाँ मेरे पास कुंडली है। हम दर्शकों सभी को निवेदन के साथ कहना चाहेंगे कि जितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं जिनका फ़ोन नहीं भी लग रहा है, आप अपनी अपनी कुंडली खोल के देखिए क्या आपके पास 24 कुंडली है, और 24 कुंडली है तो क्या उनके समस्या को निकाला गया है? यदि दो तीन कुंडली भी है तो क्या समस्या निकाला गया? नहीं होता है। आपके बच्चे आईएएस बन जाएंगे, आपके बच्चे मिनिस्टर बन जाएंगे, आपके बच्चे मुकेश अंबानी बन जाएंगे, बस लिख के छोड़ देते हैं, नहीं होता है। जब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। तो आपके बच्चे की भी कुंडली बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, जिसको टॉप कहते हैं धनु लग्न वृश्चिक राशि, लेकिन इस बच्चे को लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? कि इनके जो डिविजनल पार्ट है वो काफ़ी फंसे हुए हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है, तो दशा की ओर जाते हैं। तो वर्तमान बुध में मंगल की दशा चल रही है, बुध में मंगल बुध में राहु, अर्थात 2023 तक समय इनका खराब है। निर्णय आपके हाथ में है कि करना क्या है, एक अच्छे ज्योतिष से मिले, मिलकर के उपाय करवाएं। हमें विश्वास है कि ऐसे बच्चों को MBA टीचिंग लाइन या बैंकिंग लाइन में गवर्नमेंट जॉब ही लगनी है, बस आवश्यकता है इसकी सही निवारण करने की। क्या आप सहमत हैं किरण जी? हाँ जी, शादी के बारे में पूछना है। आप पहले पूरी कुंडली बनवा ली, मैंने आपका कहा ना अभी कि ऐसे बच्चों को विवाह में परेशानी करता है और जॉब लगने में परेशानी करता है, तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिले, मिलकर पहले उस उपाय कराएं। इनकी जो विवाह का जो डेट आ रहा है इस कुंडली से वो 2020 के नवंबर में, 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच इसकी शादी होगी। लेकिन जब तक निवारण नहीं होता है ना तब तक आप विवाह मत करना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम रसूली हमारे साथ झारखंड से अगले दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जी स्वागत है आपका, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में, गुलाम रसूल जी अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो अपनी जन्म की तिथि हमें दीजिए। 6/1997 का। 6/1997, समय बताएं। 6/1997 6/1997 का। नहीं, 6 तारीख है, महीना क्या है? 6/1997 का इनका जन्म है। समय बताएं। समय मतलब सुबह हुआ था वो। क्या आपको फिक्स टाइम पता है? ना, फिक्स टाइम नहीं, सुबह बोला था। तो ऐसे सुबह तो 5 बजे भी हो सकता है, सुबह 7 बजे हो सकता है। यहाँ भी आपने भी देखा ना एक कार्यक्रम में कि मैंने एक आदमी को बोला कि 10 सेकंड में आपकी कुंडली बदल जाएगी, तो 1 घंटा का 2 घंटा का डिफरेंस में कभी आपको सही बातें नहीं मिल पाएगी। मैं कुछ बोल दूंगा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो दो रास्ते हैं, या तो आप पहले पता लगाने का प्रयास करें कि कितना बजे का जन्म है। यदि पता नहीं है तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिले, मिल करके हस्तरेखा को दिखाएं, आपको एक एक चीज़ मालूम हो जाएगा। देखिए आप हस्तरेखा विज्ञान का सहारा लीजिए, पामिस्ट्री का सहारा लीजिए, क्योंकि आपको अपने जन्म का समय फिक्स नहीं पता है, तभी आप अपने जीवन में सही तरह से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक से बात करेंगे। हमारे साथ जगदीश जुड़े हैं पटियाला से। स्वागत है आपका जगदीश जी। हाँ जी, मैं जी बताएं। जय श्री राम जी बताएं। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना। बेटी का शुभ नाम और उनकी जन्म की तिथि। बेटी का शुभ नाम है चाहत। चाहत, चाहत की जन्म की तिथि। 5/1996। 96 का जन्म है। कहाँ का जन्म है और कितने बजे का है? ये रात्रि के 10:50 का। और कहाँ का है?
ये जन्म है पटियाला बसी पठाना। ठीक है, आपने जिले का, अपने जिले का नाम बताइए, कौन जिला है? जिला फतेहगढ़ साहब। कौन सा? फतेहगढ़ साहब पंजाब। फतेहगढ़ साहब पंजाब। इनकी बेटी का नाम चाहत है बहुत प्यारा नाम आपने रखा जी। है, चाहत। मेष लगन और मेष राशि, इनके लग्न भी मेष है, राशि भी मेष है, दोनों का मालिक हो गया मंगल। मंगल क्या है? मार्स इज द फायर एलिमेंट। मंगल ग्रह गर्म होता है, अग्नि तत्व होता है, तो ऐसे बच्चों में थोड़ी सी गुस्से की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक हो जाता है। छोटी छोटी बातों में ऐसे बच्चों को इरिटेशन हो जाता है। बाद वहाँ की इस कुंडली की जो स्थिति है, गुरु इनके भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो मैं तो इतना विश्वास रखता हूँ कि ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। मिट्टी छूले तो सोना हो जाए, अपने पिता के लिए भी और जिस घर में जाएगी वहाँ भी। बहुत अच्छी लग, बहुत किस्मत वाले लड़के होंगे जो ऐसी लड़की को पत्नी के रूप में पाएंगे, लेकिन समस्या भी उसी तरह से इनको घेर रखा है। वो समस्या क्या है? सबसे पहले इस कुंडली में नवमांश में आइए, नवमांश में इनके बन रखे हैं केमद्रुम योग, तो सबसे पहला काम करेगा इनकी मैरिज को डिस्टर्ब करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, अर्थात विवाह की बातें बनने नहीं देगा, विवाह की बात बन गई तो चलने नहीं देगा। हम करियर की बात करते हैं तो ऐसे बच्चों को बैंकिंग जॉब में ज़्यादा बेनिफिट मिलने का संभावना है, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम आपको लाइव कार्यक्रम में नहीं कह सकते, क्योंकि इस कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में करोड़ों आदमी देख रहे होंगे, और हमारे सारे परिवार, जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी हमारे परिवार हैं। मैं कभी किसी को क्लाइंट नहीं बनाता। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में हमारे 19,885 परिवार हैं। तो इस बच्चे की कुंडली में शुक्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है, जो कहीं से भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है, और इस संबंध में आप हमसे सुबह में 9 से 10 बात कर लेंगे। और ये जो कुंडली है ये बहुत डेंजरस पॉइंट पर कुंडली है, आप एक बार मिल करके बात, पहले तो फ़ोन से बात कर लेंगे, फिर मैं बातें बताऊँगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको अवश्य कह दूं कि ऐसे बच्चे का विवाह जो है सोच समझ के करेंगे, अन्यथा आप बुरा फंस जाएंगे। बस आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, मिल करके, और हमसे यदि बात करनी है सुबह में 9 से 10 हम आपके साथ रहेंगे, आप हमसे बात कर लेंगे तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बता दूंगा। जगदीश जी, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपके लिए सही तरह से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सवाल तो आपके मन में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये मंगलिक तो नहीं है जी? ये मंगलिक तो नहीं? मांगलिक नहीं है। कौन कह दिया मांगलिक है? कहीं से मंगल दोष है? मांगलिक नहीं है, मांगलिक से भी खतरनाक चीज है, आपको मैं सुबह बताऊंगा। देखिए, आप सुबह एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दर्शकों देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फ़ोन के माध्यम से ना की जाए टेलीविज़न पर तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप मुलाकात कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो आप दूर रहते हैं, आप पटियाला से हमें कांटेक्ट करें, आप फ़ोन पर पर्सनली बात कर लीजिएगा। सुबह 9 से 10 के बीच में एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और बस इतना कह दीजिएगा कि मैं पटियाला से बात कर रहा हूँ, कल लाइव प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी और आपकी बात गुरुजी से हो जाएगी। टाइम ध्यान रखिएगा सुबह 9 से 10 के बीच में, क्योंकि कि कुछ बातें होती हैं जो पर्सनली की जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी दर्शकों, आप सभी जिनका आज फोन नहीं लग पाया या किसी भी रीजन से बात गुरुजी से लाइव प्रोग्राम में नहीं हो पाई है, तो आप सुबह 9 से 10 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर आप हमारा विशेष प्रोग्राम बदल दे किस्मत या फिर आचार्य शिवानंद के नाम से देख सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद उसके लिए। जी जी, जय माता, जय माता दी। शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान हैं? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257 9026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390।
3373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।